जल शक्ति विभाग द्वारा सगड़ा के लगभग सभी गांव में बहाल की जा चुकी है पेयजल आपूर्ति। डूंगी गांव में झरने के बीच खड़े होकर पाइपलाइन की मुरम्मत कर रहे कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में। भारी बारिश व नदी नालों में बाढ़ के चलते बंद हुई थी सिरमौर जिला के उपमंडल संगड़ाह के 61 गांव की पेयजल योजनाएं। जल शक्ति विभाग द्वारा सिरमौर जिला के उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले अधिकतर गांव की पेयजल योजनाओं को बहाल किया जा चुका है। भारी बारिश के दौरान नदी नालों में बाढ़ के चलते विभाग के अनुसार कल तक 40 ड्रिंकिंग वाटर स्कीम की रिस्टोर की जा चुकी थी, जबकि आज अधिकतर अन्य स्कीम को भी विभाग द्वारा चालू किया जा चुका है और कल तक सभी गांव में पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बीच सगड़ा के साथ लगते गांव डूंगी में प्रवाह पेयजल योजना को चालू करने के लिए नाले के झरने के तेज बहाव के बीच पाइपलाइन रिपेयर कर रहे कपिल नामक विभागीय कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। सोशल मीडिया यूजर इस कर्मचारी के ड्यूटी के प्रति समर्पण भाव की तारीफ भी कर रहे हैं। जल शक्ति विभाग के एसडीओ सगड़ा राजेंद्र चौधरी के अनुसार आज लाना मशहूर व डूंगी के साथ साथ उपमंडल मुख्यालय सगड़ा की मुख्य पेयजल योजना की मुरम्मत का काम भी पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अधिकतर गांव की पेयजल योजनाएं चालू की जा चुकी है और अब उन्हीं लिफ्ट स्कीम की सप्लाई बंद है जहाँ विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है। पानी में भी वेल्डिंग करने वाले बड़े खतरनाक वेल्डर है जी हमारे पास। पानी की बूंदा बूंदी भी चल रही है पर फिर भी काफी मेहनत से इसको भर रहे हैं ताकि आज हम संग्रह के लिए सप्लाई दे सकें।